पेंशनर एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ की नालागढ़ इकाई की बैठक में वर्ष 2016 के बाद व पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को 80% बकाया राशि न मिलने से रोष जताया गया। पेंशनरों ने कहा कि उन्हें बकाया लाभ न मिलने से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से बकाया वित्तीय लाभ एक मुश्त जारी करने की मांग उठाई है। नालागढ़ के लोक निर्माण विश्राम गृह में अध्यक्ष नरेश घई की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पेंशनरों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। नरेश घई ने कहा कि सरकार जुलाई 2022 से 4% महंगाई भत्ता और 1 जनवरी से 2023 से 4% महंगाई भत्ते की कुल 8% किश्त कर्मचारियों व पेंशनरों को तुरंत अदा करे। उन्होंने मेडिकल बिलों के भुगतान जल्द करने की भी मांग रखी। वक्ताओं ने कहा कि नालागढ़ में लावारिस पशु घूम रहे हैं जो किसानों की फसलों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्हें साथ लगती गौशालाओं में पहुंचाने की मांग रखी। वक्ताओं ने कहा कि नालागढ़ अस्पताल में पिछले कई वर्षों से रेडियोलॉजिस्ट और मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पद रिक्त पड़े हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द इन्हें भरने की मांग की है। पेंशनरों ने कहा कि सरकार ने यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर तो खोल रखा है, न तो उसमें मशीनरी है और न ही वहाँ पर स्टाफ है, जबकि भाजपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन कर दिया है। क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ट्रॉमा सेंटर न होने से PGI तक पहुँचते हुए कई लोग अपनी जान से हाथ रहे हैं। अगर यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर चालू होता है तो लोगों की जान बचाई जा सकती है। बैठक शुरू होने से पहले वरिष्ठ सदस्य एवं तहसीलदार कमल नयन गुप्ता के निधन पर शोक जताया गया और 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। अगर पेंशनर्स व सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की बैठक मासिक जो 5 तारीख को होती है, वो बैठक आज रेस्ट हाउस नालागढ़ में आयोजित की गई। इस बैठक में पेंशनर्स के करीब 40 के सदस्य जो हाजिर थे, बरसात के बावजूद भी काफ़ी संख्या में पेंशनर्स ने भाग लिया। आज पेंशनर्स की बैठक में सबसे पहले तो इस बात पर बड़ा रोष पाया गया कि हिमाचल सरकार के द्वारा पेंशनर्स की अनदेखी की जा रही है। पेंशनर्स को जो वेतनमान है नए, वो 1/1/2016 से रिवाइज हो गए थे और रिविज़न के बाद पिछली सरकार ने इसे जो है बहुत टाला और नई सरकार जब बनी तो इन्होंने भी जो है अभी तक जो है पेंशनर्स को जो उनके हक है वो अदा ना किए हैं। और नई सरकार को बने हुए भी 6 मास के ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन पेंशनर्स को अभी तक सिर्फ 20% ही जो एरियर है 2016 के पहले और बाद में जो रिटायर हुए उन्हें मिला है। 80% जो पेंशनर का बकाया एरियर है वो अभी सरकार की तरफ ड्यू है। इसी तरह से 2016 के बाद जो पेंशनर रिटायर हुए हैं उनकी रिवाइज ग्रेच्युटी और रिवाइज जो दूसरी है लीव इनकैशमेंट है उसका भी भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। काफ़ी पेंशनर्स के जो केस हैं वो हमारे जो रिवाइजन के लिए भेजने जाने थे AG ऑफिस को, वो भी नया भेजे गए हैं और जो भेजे गए हैं वो भी कछुआ साहब पर वहाँ चल रहे हैं। इसलिए हिमाचल सरकार से मांग है कि पेंशनर्स की अनदेखी जो है वो सरकार पर महंगी पड़ेगी। इसलिए 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है तो उससे पहले पहले इस बात पर वो ध्यान दे कि जो पेंशनर्स के ड्यू हैं उन्हें अदा करे। और इसी तरह 8% जो DA है वो अभी तक हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो जनवरी 2023 से और जुलाई 2022 से 4% की जो किस्त है कर्मचारियों को और पेंशनर्स को अभी तक नहीं दी है। तो 8% DA का भी भुगतान किया जाए। आज जो महंगाई है चरम सीमा पहुंच रही है, सब्जियों के भाव जो है आकाश छू रहे हैं, टमाटर 100 रुपये से ज़्यादा किलो है, कोई सब्जी जो है महंगी हो गई है, दालें महंगी हो गई हैं। तो इस महंगाई में जो महंगाई भत्ता मिलता है वो केंद्र सरकार ने दे दिया लेकिन हिमाचल सरकार ने अभी तक नहीं दिया। इसी तरह से पेंशनर्स के जो मेडिकल भत्ते हैं उसके बारे में भी जो हमें नए वेतनमान जब आते हैं तो ऑप्शन दी जाती हैं कि इन्होंने जो है मेडिकल भत्ता जो है पुराना लेना है या जो है ओपन करना है या फिक्स रखना है, लेकिन वो इस बार जो हमें जो है ना ही पेंशनर्स को ना ही कर्मचारियों को कोई ऑप्शन मिली है। तो हिमाचल सरकार से मांग है कि महंगी जो मेडिकल अलाउंस है उसके बारे में ऑप्शन कर्मचारियों को और पेंशनर को दी जाए। और जो कैशलेस की हमारी मांग है कि पेंशनर्स को जो है कैशलेस के अनुसार मेडिकल दिया जाए, क्योंकि जब हम मेडिकल बिल देते हैं तो मेडिकल बिल भी हमारे जो है पेंशनर्स के काफ़ी संख्या में ड्यू पड़े हुए हैं। 2-2 साल से जो है पेंशनर्स को उनके जो है मेडिकल के जो बकाया बिल है वो नहीं मिलते हैं। तो सरकार से मांग है कि मेडिकल्स के जो है कैशलेस प्रणाली शुरू की जाए। इसी तरह से नालागढ़ बद्दी क्षेत्र में जो आज नशे का एक
जो काम चल रहा है उस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। हमारे कई नौजवान साथी नशे की लपेट में आकर जो अपनी जान गंवा रहे हैं, इसी तरह से नालागढ़ और बद्दी एरिया में जो खनन है वो भी अवैध रूप से जारी है, इसी तरह से जो आवारा पशुओं का अंतक है वो है। तो हम हिमाचल सरकार से मांग करते हैं कि नालागढ़ क्षेत्र और बद्दी क्षेत्र में इस जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। नालागढ़ अस्पताल जो है वो तो आज सफेद हाथी बन चुका है, यहाँ पर बिल्डिंग ट्रामा सेंटर की बना दी है लेकिन उसके में अभी डॉक्टर स्टाफ नहीं आया है। नालागढ़ अस्पताल में रेडलिस्ट का पद पिछले कई सालों से खाली है, मेडिसिन का डॉक्टर यहाँ नहीं है, तो ये तो सिर्फ एक रेफरल अस्पताल बन चुका है। तो हमारी मांग है कि यहाँ डॉक्टरों की जो पोस्टें हैं वो भरी जाएँ, मैं बुनियादी जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की वो यहाँ प्रदान की जाए। इसी तरह से हमारी ये भी मांग है कि नालागढ़ क्षेत्र में जो सड़कें हैं उसका भी जो है समाधान किया जाए। नालागढ़ बस स्टैंड तो नया जो है वो रोपो रोड पर बना दिया है जो शहर से करीब आधा किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ जो लोकल लोग अस्पताल आते हैं कचहरी आते हैं उनके लिए जैसे स्वारघाट के लिए जोगों के लिए पिंजारे के लिए जाना होता है तो धूप और बरसात में उनके लिए खड़ा होने के लिए कोई रेन शेल्टर तक नहीं है, तो उसका भी जो है निर्माण किया जाए। तो हिमाचल सरकार से हमारा निवेदन है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहाँ कोई भी रिक्रिएशन सेंटर नहीं है। नगर परिषद जो है इस समय घोषणा करती है कि हमने जो है पुराने बस स्टैंड में दुकानें बनानी है, फाटक वाला स्थान है वहाँ दुकानें बनानी है, पुराना पुलिस स्टेशन है वहाँ दुकानें बनानी है, यानी कि पैसा इकट्ठा करना ही नगर परिषद का काम नहीं होना चाहिए। हाउस टैक्स लगाया है तो यहाँ सुविधाएँ भी होनी चाहिए। तो नगर परिषद के एरिए में सीनियर सिटीजन के लिए जो एक सामाजिक जो इनका कर्तव्य बनता है कि कोई ऐसा हॉल बने, लाइब्रेरी बने, कोई फिजियोथेरेपी का सेंटर बने और कोई कमरा हो जहाँ सीनियर सिटीजन बैठ सकें, लेकिन इसके लिए कोई भी सुविधा नहीं है। तो हमारी मांग है कि ये सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि सीनियर सिटीजन और पेंशनर जो है आरामदायक अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें। हिमाचल प्रेस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।